हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर आरपीएससी ग्रेड वन स्पोर्ट कोटा के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं, क्या सर आरपीएससी ग्रेड वन लेक्चरर की इस पोस्ट के लिए स्पोर्ट कोटा वैलिड है या नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि बिल्कुल इस पोस्ट के लिए स्पोर्ट कोटा के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि स्पोर्ट कोटा आरपीएससी ग्रेड वन। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो आपको कोटा दिया गया है, ये आपका 2% का यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा है। ठीक है, अगर आपने किसी भी नेशनल लेवल गेम में पार्टिसिपेट किया है और उसका आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आप उस सर्टिफिकेट को लगाकर, ठीक है, आरपीएससी ग्रेड वन के लेक्चरर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और उसका बेनिफिट आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वो जो आपका स्पोर्ट्स है, मतलब जिस स्पोर्ट्स के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो, क्या वो राजस्थान बोर्ड से अप्रूव्ड है? ठीक है, क्या वो खेल मंत्रालय से अप्रूव्ड है? ठीक है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि वो स्पोर्ट्स आरपीएससी ग्रेड वन में दिए गए स्पोर्ट्स के लिस्ट में आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो अगर आप इन चीजों को कर लेते हो, डेफिनेटली आपको यहाँ पे स्पोर्ट्स कोटा का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि आरपीएससी ग्रेड वन के लिए स्पोर्ट कोटा जायज है। ठीक है, और अगर आपके पास किसी स्पोर्ट से जुड़े एक्सपीरियंस है, आप नेशनल लेवल पे हो और आपके पास उसका सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई करके आरपीएससी ग्रेड वन में आप जॉब प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है, ओके, बाय बाय।